हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी मैं छत पर हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश हुई। देख सकते हो आप लोग, छत पे पूरे बारिश ही बारिश हुई है। और मैं अभी मौसम का मज़ा ले रही हूँ। हवा नहीं चल रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, बट अभी कृष्णा जी नीचे रो रहे हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और अभी सोकर उठा है, तो सोकर बच्चे उठते हैं तो रोते ही हैं, शैतानी करते हैं, मतलब जिद करते हैं। पता नहीं क्यों रोते हैं वो, क्या चाहिए होता है उनको सो के उठने के बाद। मौसम बहुत ही अच्छा है। एक चिड़िया भी मौसम का मज़ा ले रही है। देखिए आप लोग, उस पिलर पे बैठी हुई है, वहाँ पे मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, वहाँ पे वो देखिए छत पे। आप लोग सोचोगे ये क्या फेंका हुआ है, मतलब छत पे रोटी। मैं जो भी, मेरे घर गाय वाय नहीं है ना, तो जो भी रोटी वगैरह, रोटी जैसे सूखा चीज़, सूखा भोजन जैसे रोटी रहती है, चावल रहता है, तो मैं यहीं छत पर लाकर रख देती हूँ। बंदर लोग आते हैं, उसके बाद चिड़िया बंदर जो भी आते हैं, तो इन सब लोगों को खाने के लिए कोई भी चीज़ ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहीं पर ला के रख देती हूँ, जिससे वो आराम से खा भी लेते हैं और मेरा जो खाना रहता है वो भी मतलब वेस्ट नहीं होता है, कम से कम किसी के पेट में चला जाता है, खा लेते हैं, वो सही रहता है। और अभी मैं अपनी छत पर हूँ। अगर मैं वहाँ छत पर, वहाँ जो है ये, वहाँ मैं अगर चढ़ जाती हूँ तो मेरे पूरे गांव का लोकेशन दिखता है, बट अभी मैं उसके अकॉर्डिंग अभी मैं बहुत नीचे हूँ। कभी मैं वहाँ ऊपर चढ़ूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने गांव का लोकेशन कैसा है। वहाँ एक्चुअली मैं चढ़ जाती, बट अभी बारिश हुई है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, काई लगी हुई है, तो फिसलता है पैर, अगर फिसल जाएगा तो मैं गिर जाऊँगी, पैर वैर टूट जाएगा, तो वीडियो कैसे बनाऊँगी, ब्लॉग कैसे बनाऊँगी, आप लोग कैसे देखोगे मुझे। अभी कुछ जो है मतलब मुझे बहुत कुछ तीखा तीखा सा खाने का मन कर रहा है, जैसे बर्गर, चाउमीन, पानी पूरी। बहुत दिन हो गए मैंने गोलगप्पे नहीं खाए और मेरा बहुत ही अंदर से मन हो रहा है खाने का, और मैं आज खाऊंगी। आज मैं शाम को अगर घूमने जाऊँ तो वहाँ पे जो है लगता है मतलब, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी तो खाऊँगी, या तो कोई बाहर जाएगा घर से तो मंगाएंगे। बहुत ही तीखा कुछ खाने का मन कर रहा है। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, आप लोग जाके प्लीज़ फॉलो कर लो। मेरी आईडी है swati_42। आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, सच्ची में आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट किसी किसी दिन होता है ना, फेस पे अलग ही ग्लो रहता है। आज मेरे फेस पे बहुत ग्लो है। जिस दिन बारिश हुई होती है उस दिन मतलब सबके फेस पे ग्लो रहता है, देखने में लगता है ऐसे। वैसे गर्मी से, पसीने से सब लोग वैसे ही, और फेस पे वैसे ग्लो रहता है। छत मेरा बहुत गंदा हो गया है, किसी दिन छत पे झाड़ू लगा देती हूँ तो छत एकदम आराम से चमकने लगेगा। अभी मेरा छत बहुत गंदा, बहुत दिन हुआ मैंने छत पे सफाई नहीं की, मैं ही करती हूँ, कोई और कौन, क्या सबसे छोटी मैं हूँ तो मैं ही करूँगी, या तो कृष्णा करें, और कौन है करने वाला, मैं ही करूँगी। आज मेरे छत पे कोई कपड़ा, आज जब बारिश हो रही थी तो कपड़ा भाभी लेकर गई नीचे, मैं नीचे थी, मुझे पता ही नहीं चला बारिश हो रही है, मैं लेटी हुई थी। उसके बाद दोपहर में मैं अक्सर या तो लेटी रहती हूँ या तो थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ। आज मैंने कोई वीडियो, पता है आप लोगों को, कल मेरी बहुत ज़्यादा मतलब परसों तो मैंने ब्लॉग मतलब पोस्ट किया हुआ था, कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों। मतलब रात में मैं मतलब लेटी, उसके बाद अचानक ही ठंड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया, फिर सुबह एकदम, कल मेरी हालत क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, शायद आज इसीलिए मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा है। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत बुखार था, उसके बाद पूरे शरीर में दर्द था, सबसे ज़्यादा सर में दर्द था,
फिर उसके बाद मैं गई सुबह, दवा ववा लेकर आई, दवा ववा मैंने खाया। फिर मुझे जैसे ही मैंने मतलब दवा मैंने 3 खुराक डॉक्टर ने दिया था दवा, उसके बाद मतलब 3 बार खाने के लिए सुबह शाम दोपहर, तो मैंने सुबह ही मैं गई थी 8-8 बजे दवाई लेने, तो दवाई मैंने ली। उसके बाद 8 बजे मैंने 9-9:30 बजे मैंने वैसे ही दवाई खा ली। बहुत ही ज़्यादा दर्द था शरीर में, मैंने खाना भी नहीं खाया। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने दवा खा ली। फिर जैसे ही दवा खाई उसके कुछ मतलब थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ, मतलब उसके बाद जो है थोड़ा आराम हुआ। फिर मैं लेट गई, उसके बाद भाभी चाय वाय लेके आई, लेकिन बुखार मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और जैसे लग रहा था कि अभी कुछ खाऊंगी तो तुरंत मतलब उल्टी हो जाएगी, कुछ भी खाने का मन नहीं था। फिर उसके बाद मैंने चाय भी वैसे रख दिया, मैंने नहीं पिया चाय वाय। उसके बाद जब थोड़ा आराम हुआ तो वही 12:30-12 बजे उठी। उसके बाद मैंने 2 रोटी सब्जी और थोड़ी सी दाल खाई। वैसे चावल खाए बिना मेरा पेट नहीं भरता। चावल वाले जितने हैं वो कमेंट करिएगा कि चावल के बिना किसका किसका पेट मतलब पूरा ही नहीं, अधूरा रहता है रोटी खाने से। मैं तो मेरा तो मैं चावल खाए बिना तो भैया नहीं रह सकती मैं, मुझे दिन में 1 बार चावल का चाहिए। वैसे भी मेरे घर में चावल के सब बड़े शौकीन हैं, चावल सब खाते हैं मेरे यहाँ, तो चावल मेरे यहाँ दोनों टाइम बनता है। तो मैं सुबह भी खाती हूँ और रात में भी चावल खाती हूँ। तो मैंने चावल मांगा भाभी से, तो भाभी बोली चावल नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने बोला तबीयत ख़राब है तो अगर पैसे और ज़्यादा ना खर्च हो तो मत खाओ भैया। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने चावल नहीं खाया। फिर दवा ववा मैंने खाई, उसके बाद थोड़ा रिलीफ हुआ और मैं आज बढ़िया इतनी सुंदर दिख रही हूँ, क्योंकि कल मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। तो गाइस आज तो मैंने मतलब जो है वीडियो वगैरह नहीं शूट किया, वैसे मन नहीं, पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता वीडियोस बनाने का, मतलब मन करता है लेकिन धूप, आज धूप, तबीयत ख़राब थी कल, तो आज मन नहीं हुआ। बट वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखिएगा जाके। और मैं ओके गाइस, तो आप लोग जाइए बढ़िया चाय वाय पीजिए, मैं भी जा रही हूँ चाय वाय पीने। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग। बाय बाय।